आज इनाम रखा गया, 2000 रुपए का कैश रखा गया है, प्लस एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर रखा गया है। तो क्या लगता है ले जाओगे? बिल्कुल ले जाऊंगा। कितनी देर में? एक मिनट में। और ये हो चुका है मोनू जी का टाइम स्टार्ट। और ये क्या है भाई साहब, ना चावल ना ग्रेवी, सीधा तो चिकन लीवर खा रहे हैं पहले। बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ब्रेकर को ही उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा ब्रेकर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी देर में खत्म कर दोगे? 40 से पहले खत्म कर दूंगी इनसे पहले। और ये क्या, ये तो पहले चिकन लीवर खा रही है भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, पहले चिकन लीवर पे टूट पड़ी है भाई। जितना हो सके ऑडियंस लाइक कमेंट शेयर करिए। बिल्कुल आज मोनू जी को पूरा का पूरा हरा के जाने वाली है भाई। और अब देखते हैं क्या होता है भाई, मचाती है और इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। क्या लगता है रंजीत जी, 2000 का कैश और मिक्सर जूसर ग्राइंडर छीन पाओगे? बिल्कुल। क्या लगता है कितनी देर में खत्म कर दोगे? 1 मिनट 35 सेकंड लगेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआर फूड चैलेंज में। पीसीआर फूड चैलेंज आज लाए महा चैलेंज चिकन लिवर राइस ईटिंग चैलेंज। इस महा चैलेंज को ढेर करने के लिए, समाप्त करने के लिए आज हमारे पास उतरे हैं चिकन लीवर के 3 खतरनाक योद्धा चैलेंज में। तीनों के तीनों काफी खतरनाक चैलेंजर है, बहुत बड़े चैलेंजर है, कभी ना हारना मानने वाले चैलेंजर है। इधर रंजीत जी मिनटों में सेकंडों में ढेर कर जाते हैं। बिल्कुल। इधर जो है मानू जी, यह भी मिनटों सेकंडों में ढेर कर जाते हैं। और इधर जो है पूरा हौसला और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेके आई है संजू जी। तो क्या लगता है संजू जी, जीत पाओगे कि नहीं? क्योंकि भाई साहब फर्स्ट पाव उतर रहे हो चिकन लीवर में, तो आज देखते हैं भाई संजू जी तो भाई मजा पाती है कि नहीं। बिल्कुल चलो, इन्होंने कहा चिकन लीवर इनका फेवरेट है और यह जो है कितने भी बड़े चैलेंजर को हरा सकती है, तो आज देखते हैं क्या करके जाती है भाई। तो विशाल जी टाइम स्टार्ट करें। चलो, उससे पहले बताए तो इनाम क्या रखा गया आज? इनाम रखा गया 2000 रुपए का कैश रखा गया है, प्लस एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर रखा गया है। तो इतने ढेर सारे इनाम के लिए देखते हैं कौन कितनी तेजी करते हैं, कौन इनाम जीत के ले आते हैं। तो विशाल जी टाइम स्टार्ट करें। चलो चलो, अभी टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा टाइम स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या को तबाही वाला चैलेंज देखने को मिले भाई। तो पहले कौन उतरेगा? मोनू जी। बढ़िया भाई, मोनू जी अपनी पोजीशन लीजिए जी। अभी आ चुके हैं मोनू जी। क्या लगता है मोनू जी, कितने रेफिन का पूरी थाली? एक मिनट में। क्योंकि भाई साहब काफी दिन बाद आए हो और आज देखते हैं तीनों में से कोई नाम लेके जाता है भाई। बिल्कुल भाई, इतना ढेर सारे नाम रखा गया, 2000 रुपए का कैश और मिक्सर जूसर ग्राइंडर। तो क्या लगता है ले जाओगे? बिल्कुल ले जाऊंगा। कितनी देर में? एक मिनट में। एक मिनट में खा लोगे? देख लो, देख लिया। चलो तो राके टाइम स्टार्ट कर दो इनका। टाइम स्टार्ट कर दे। बिल्कुल। और आज जो संजू जी उतर चुके हैं, तो संजू जी के लिए जितना बड़ा टारगेट दोगे उतना ही कम लग रहा है, क्योंकि आज पूरी फॉर्म में आई है संजू जी। और भाई साहब दोनों के दोनों खतरनाक चैलेंजर है और आज देखते हैं संजू जी जीत पाती है कि नहीं भाई। चलो स्टार्ट कर दे। बिल्कुल। 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये हो चुका है मोनू जी का टाइम स्टार्ट। और ये क्या है भाई साहब, ना चावल ना ग्रेवी, सीधा तो चिकन लीवर खा रहे हैं पहले। बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ब्रेकर को ही उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा ब्रेकर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बचेगा यह जो है निगलने वाला आइटम, और उसको जो है निगलने में काफी कम समय लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मोनू जी, थोड़ा एक आध पीस छोड़ दो भाई, क्योंकि चावल साथ खाओगे थोड़ा टेस्ट भी आएगा, और यहाँ पे टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाइए, आराम से खाइए। 2000 का कैश और इतने ढेर सारे इनाम के लिए है मोनू जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी भाई। बिल्कुल, पूरी ताकत लगा दी एक तरह से। और यहाँ पे भाई साहब पूरा जो है चिकन लीवर हो चुका है 30 सेकंड में फिनिश। और अब हो चुका है भाई साहब चावल में सलाद भी घूम रहे थे। बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मोनू जी ने जो है दोनों ही चैलेंजर के पसीने छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मोनू जी जैसे मोनू जी ने स्पीड लगाया है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैलेंजर जीत पाएगा। मगर इधर जो है संजू जी अपनी पूरी होश और हवास में उतरी हैं और पूरा जोश लेके उतरी हैं आज। चलो तो राकेश जी, आज देखते हैं तीनों में से कौन इनाम लेके जाता है। और इधर बात किया था मोनू जी का टाइमर हो चुका पूरा 1 मिनट क्रॉस भाई। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, आंधी तूफान सारा भवन एक साथ ला चुके हैं भाई। 2000 का ताकत और ये जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर की ताकत, बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं इसके लिए। तो देखते हैं भाई साहब किसके पास जाने वाला ये पूरे का पूरा इनाम। और यहाँ पे रंजीत जी भाई साहब पूरी फॉर्म में बैठे हुए टारगेट देने के लिए। और अब देखते हैं मोनू जी कितनी देर में, भाई साहब पूरा चावल से भरा हुआ था इनका और अब हो चुका है पूरा खाली। बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा आराम से खाइए, आराम से खाइए, थोड़ा भाई पूरी ताकत लगा दी भाई, पूरा निकलते जा रहे हैं सारी की सारी थाली निकल गई। बिल्कुल, सोडियम जल्दी कमेंट करके बताओ आज का इनाम कौन लेके जाने वाला है, क्योंकि इधर मोनू जी है और इधर रंजीत जी और इधर संजू जी। और इनका टाइम हो चुका है 1 मिनट 38 39 40 सेकंड में भाई साहब, काफी खतरनाक टारगेट दे चुके हैं मोनू जी। तो क्या लगता है रंजीत जी हो पाएगा फिनिश? क्योंकि भाई साहब काफी खतरनाक टारगेट है आज का भाई। चलो 1 मिनट 40 सेकंड का टारगेट, इतनी आंधी तूफान कहां से लेके आए इतना पूरा बवंडर, क्या किस चीज लिए इतना ताकत लगाए? है बेटे भैया, मेरी जीत जाऊंगा मैं। और एक चीज और मोनू जी ने कहा है कि यह जो है ये जिम करते हैं और जिम के लिए इनके लिए बहुत सुटेबल चीज इनाम भी रखा गया है, इसीलिए इन्होंने पूरी ताकत भी झोंक दी। चलो तो क्या लगता है मोनू जी, इनाम आप ले जाओगे क्या? पक्का। चुकी है संजू जी। संजू जी जो है पूरा हौसला लेके आई है दोनों चैलेंजर को हराने के लिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है संजू जी हरा देंगे? हाँ, मेरी फेवरेट और मैं मतलब मेरे घर में भी बनता है और मैं खा लेती हूँ फटाफट, इन दोनों को टक्कर देने आई हूँ मैं। बहुत सही भाई,
क्योंकि राकेश जी दोनों में दोनों खतरनाक है भाई, तो आज देखते हैं संजू टक्कर दे के जा पाती है कि नहीं भाई। चलो 40 सेकंड का टारगेट है आपके पास, क्या लगता है कितनी देर में खत्म कर दोगे? 40 से पहले खत्म कर दूंगी इनसे पहले। बहुत बढ़िया भाई, स्टार्ट करें। चलो रेडी है, 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये हो चुका है संजू जी का टाइम स्टार्ट। और ये क्या, ये तो पहले चिकन लीवर खा रही है भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, पहले चिकन लीवर पे टूट पड़ी है भाई, जितना हो सके ऑडियंस लाइक कमेंट शेयर करिए और फैला दीजिए पूरे गांव में, आज है जीत के ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि राकेश जी काफी दिन बाद आए हैं संजू जी, और आज देखते हैं इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। और यहां पे टाइमर हो चुका है भाई, सब काफी खतरा है। बहुत सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आज मोनू जी को पूरा का पूरा हरा के जाने वाली है भाई। क्या लगता है आज के इनाम कौन लेके जाने वाला, क्योंकि इधर बात की संजू जी काफी स्पीड दिखा रही है। बहुत बढ़िया, वहां पे हो चुका है 44 सेकंड, और अब देखते हैं क्या हिटवाई मचाती है और इनाम लेके जा पाती है कि नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तूफान मचा दिया 50 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर धुआं उड़ा दिया भाई संजू। बिल्कुल, ये लो भाई साहब कड़ा निकल रहा है इनका। बहुत सही, इसका मतलब भाई साहब कड़ा जो है थोड़ा दिक्कत दे रहा था, और यहाँ पे हो चुका है पूरा करेक्ट 1 मिनट भाई। बहुत बढ़िया, आराम से आराम से आराम से, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा, इसका मतलब टारगेट देने वाली है, बहुत तगड़ा टारगेट देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए संजू जी आराम से खाइए, कोई तेजी नहीं है। और यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है 1 मिनट 13 सेकंड। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल 1 मिनट 15 सेकंड, इसका मतलब पूरा धुआं उड़ाने वाली है आज। बिल्कुल, और चावल लगभग आगे इनका हो चुका है फिनिश भाई। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से 1 मिनट 23 सेकंड, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। और ये जो है सलाद अटकता हुआ दिख रहा है, सलाद की वजह से थोड़ा सा लड़खड़ाते नजर आ रही है, मगर 1 मिनट 30 सेकंड हुआ है, अभी 10 सेकंड और बचा हुआ है इनके पास, पूरा बराबरी करके जाएंगी या जीत के जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी कमेंट करके बताओ आज का इनाम कौन लेके जाने वाला है। और ये क्या है भाई साहब, लगभग जो राकेश जी पूरा मोनू जी को टक्कर दिया हुआ है संजू ने। बिल्कुल पूरा टक्कर दे दिया एक तरह से, पूरा का पूरा 1 मिनट 47 48। बिल्कुल, बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी पूरा संजू जी का मुंह हो चुका है खाली, और भाई साहब सबसे बड़ी बात राकेश जी ये है कि पूरा मोनू जी को टक्कर दे दिया भाई साहब संजू जी ने, टक्कर दे दिया 1 मिनट 53 सेकंड, इसका मतलब जो है काफी ज्यादा आंधी तूफान लाया, और जितना भी थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा इतना जो है मोनू जी का भी था बचा। बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं है बाकी जो है। तो चलिए जाइए संजू जी हाथ दुखाइए, अभी आ चुके हैं रंजीत जी, तो क्या लगता है रंजीत जी हो पाएगा फिनिश, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक टारगेट है भाई साहब। तो क्या लगता है रंजीत जी, 2000 का कैश और मिक्सर जूसर ग्राइंडर उनके हाथ से छीन पाओगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देख लो रंजीत जी। तो क्या लगता है कितनी देर में खत्म कर दोगे? 1 मिनट 35 सेकंड लगेगा, 1 मिनट 35 सेकंड। बहुत बढ़िया भाई, यानी कि 5 सेकंड कम ले रहे हैं ये। बिल्कुल, तो स्टार्ट कर दें। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये हो चुका है रंजीत जी का टाइम स्टार्ट, 1 सेकंड पूरा चावल लगता है मिला चुके हैं, और उसे निकलने को रह चुका है भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, 5 सेकंड के अंदर 500 की स्पीड पकड़ चुके हैं, इसका मतलब रंजीत जी आज फिर से साबित कर देंगे रंजीत जी एक बहुत बड़े और बहुत खतरनाक योद्धा हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक टारगेट दे दिया है मोनू जी ने भाई साहब, और अब देखते हैं भाई रंजीत जी के पसीने छुड़ा पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे संजू जी जैसा कि काफी दिन बाद आई थी और काफी सही टक्कर दी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आज की तारीफ की जाए तो आज बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है संजू जी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े योद्धा से टक्कर लिया और ऊपर से इतना बड़ा टारगेट भी दिया, और इधर रंजीत जी जो है गायब करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या है भाई साहब, अभी 40 सेकंड हुआ अभी और पूरा चावल इनका होने वाला है फिनिश, इसका मतलब आज का इनाम पूरा यही लेके जाने वाले भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब जो है ब्रेकर जो है चिकन लीवर वो उसको साथ में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब काफी बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। और उधर जिम करने वाले जो है मोनू जी, उनके हाथ से जो है मिक्सर जूसर ग्राइंडर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सोडियम जल्दी कमेंट करके बताओ आज का इनाम किसके पास जाने वाला है, क्योंकि मोनू जी ने टारगेट दिया 1 मिनट 40 सेकंड का, और यहाँ पे टाइमर तो भाग रहा है भाई साहब आज के चैलेंज में। बिल्कुल बिल्कुल, आज चैलेंज में बहुत तेजी में चैलेंज वो भाग रहा है टाइमर, बिल्कुल बहुत तेजी में भाग रहा है, और चैलेंजर उनसे भी तेज भाग रहे हैं। तो क्या लगता है मोनू जी हो पाएगा फिनिश इनसे, कि आप ही नाम ले जाओगे? चलो तो देखते हैं। और यहाँ पे हो चुका है 1 मिनट 20 सेकंड, और इनके पास रह चुका है सिर्फ 20 सेकंड, और अगर उसी 20 सेकंड तो भाई मचाएंगे तो इनाम लेके जाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट 26 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज साबित कर देंगे कि मोनू जी जिम करने वाले योद्धा हैं, और इधर खाने में भी योद्धा हैं। हिसाब से मोनू जी के चेहरे पर स्माइल लगता है कि इनाम यही लेके जाने वाले हैं भाई। और ये हो चुका है टाइमर 1 मिनट 40 सेकंड भाई, इसका मतलब राकेश जी काफी सही टक्कर दी थी भाई संजू जी भी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमर क्रॉस होते ही जो है रंजीत जी ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी, ये होता है एक बड़ा योद्धा। बिल्कुल, तो संजू जी थोड़ा बहुत उदास मत होइए, क्योंकि रंजीत जी ने भी टाइम सेम लगाया भाई साहब। बहुत सही, रंजीत जी ने आपसे भी ज्यादा टाइम लगाया, इसका मतलब जो है ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए संजू जी के। बिल्कुल, संजू जी को जो है हम लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मगर इन्होंने जो बोला कि ऐसा ऐसा फेवरेट है ये है वो है, मगर चैलेंज में। तो चलिए जाइए रंजीत जी हाथ दुखाइए। A few moments later,
थे। चलो तो राकेश जी, रंजीत जी तो हाथों के आ चुके हैं, अब जो राकेश जी मोनू जी को इनाम दिया जाए भाई। बिल्कुल दिया जाएगा भाई, बिल्कुल दिया जाएगा। मोनू जी ने आज जो तूफान लाया भाई, बिल्कुल पवन डला दिया, और संजू जी ने भी आंधी तूफान। और आज तो राकेश जी मोनू जी ने ऐसा टारगेट दिया काफी खतरनाक भाई साहब, 1:40 का। बिल्कुल 1:40 के टारगेट को पीछा करते हुए दोनों चैलेंजर जो है लड़खड़ा चुके हैं, और इधर बखूबी टारगेट को पीछा किया। बिल्कुल संजू जी ने, इसका मतलब जो है संजू जी सही कह रही थी कि ये जो है टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रही है घर में, और इनके घर में जो है ये बनता रहता है रेगुलर, और ये जो है इनका फेवरेट भी चीज है, साबित कर चुके हैं ये। बिल्कुल। और इधर जो है रंजीत जी, आंधी तूफान पूरा बवंडर लाने वाले चैलेंजर गुलाब जी, और बड़े बड़े चैलेंजर को ढेर करने वाले रंजीत जी आज। बिल्कुल, तो आप कैसे रह गए रंजीत जी, बताओगे ऑडियंस को? काफी दिन के बाद आया। बिल्कुल, और मुझे पता ही चला कोई मोनू जी कब धुआं उड़ा के खा गए भाई साहब, पता ही नहीं चला। मोनू जी के हरा के जाऊंगा मैं, ये तो है भाई। बिल्कुल, एक तरह से सही में टाइम फिसलता हुआ जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कब कब खत्म हो गया। तो क्या लगता है अगली बार जीत पाओगे कि नहीं? मोनू जी के हरा के जाऊंगा मैं। बिल्कुल भाई, तो जाके जिधर बात करते हैं संजू जी, आप कैसे रह गए? मतलब मैं पहली बार उतरी थी इसलिए थोड़ा घबरा गई, अगली बार पक्का जीत के जाऊंगी। बिल्कुल 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 भाई, पहली बार नहीं, आप सेकंड टाइम में उतरी थी। हाँ, सेकंड टाइम में उतरी थी, मतलब घबरा तो मैं तभी भी गई थी ना। बिल्कुल, डर गई फिर भी। चलिए कोई नहीं संजू जी, फिर भी काफी सही टारगेट दिया आपने। तो राकेश जी, आप जो है मोनू जी को इनाम दिया जाए भाई। तो ये लीजिए मोनू जी पूरे के पूरे 2000 रुपए कैश, और राकेश जी ने मिक्सर दिया जाए भाई। तो कैसा लग रहा है मोनू जी, बताओगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा लग रहा है भैया, मैं तो उसके लिए जीत रहा था, बीसी के लिए आए थे और यही जीत चुके हैं पूरा का पूरा। हमें भी लग रहा था कि यह पूरा का पूरा ताकत झोंक चुके हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी खोल के दिखाएंगे, अब रुक जाइए अभी। और उससे वालों की पहली पसंद एक तरह से यही होती है कि उनका साथी एक तरह से माना जाता है। बिल्कुल भाई, सही बोला मैंने, जिम वालों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद, क्योंकि राकेश जी इसमें जो है मोनू जी जाएंगे अब शेक बनाएंगे भाई साहब। बिल्कुल, और ये वारंटी कार्ड फट गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बचा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो है 2 साल की वारंटी के साथ आया हुआ इनका मिक्सर जूसर ग्राइंडर। बिल्कुल, और जितना हो सके बॉडी बनाइए, और जितना हो सके और खतरनाक चैलेंजर बनिए। बिल्कुल, हमारे चैनल के नहीं, हमारे पूरे दुनिया के राकेश जी खतरनाक चैलेंजर बनिए। चलो पकड़िए, और ये तो कैसा लग रहा है मोनू जी, बताओगे ऑडियंस को? अच्छा लग रहा है भैया, क्योंकि भाई साहब 1:40 में खाए हो तो ये उसका इनाम है भाई साहब पूरा। बिल्कुल, और जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करिए, और जितना हो सके फैला दीजिए, जिससे कि जो है और भी चैलेंजर के मन में आए, और इतने बड़े बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करे और जीत के जाए। चलिए तो मोनू जी, ये लीजिए आपका आ चुका है मिक्सर ग्राइंडर, तो कैसा लगा मोनू जी, अच्छा है कि नहीं बताइए? बहुत अच्छा है भैया। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ऑडियंस आप बताना आपको यह चैलेंज कैसा लगा, और तीनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर आपको ज्यादा अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल, पिछल गया मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अगले बार आके मोनू जी के जरूर हरा के जाऊंगा, कुछ इससे बड़ा इनाम जीत के जाऊंगा मैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि रंजीत जी भाई साहब 8th आ चुके हैं और संजू जी सेकंड पे भाई। बिल्कुल, और कई ऑडियंस को तो यही लग रहा था कि वो यही जीत के जाएंगे, रंजीत जी जीत के जाएंगे। बिल्कुल लग रहा था जब चैलेंज में उतरे रंजीत जी, तो जरूर रंजीत जी पूरा का पूरा चैलेंज को ढेर करके और सारा इनाम समेट के ले जाएंगे। भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये हार के जा रही हूँ, पर मेरे को एक बात की खुशी हो रही, मैं उनका हरा के जा रही हूँ भाई साहब। रंजीत जी को हरा के सबका ड्रीम होता है भाई, और इन्होंने पूरा कर लिया है संजू जी ने, क्योंकि यहाँ पर राकेश जी गुलाब जी को भी हरा चुके हैं रंजीत जी पूरा। बिल्कुल, ऑडियंस तीनों चैलेंजर के लिए जितना हो सके सपोर्ट करिए, और इनके लिए तो ज्यादा खास तौर पे सपोर्ट करिए, क्योंकि जो इन्होंने जो है इनके भी धुआं उड़ा दिया, इनके भी लग रहा था इनको भी पसीना छूटता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, उतरी चैलेंज में ये तो बात नहीं, इन्होंने कोशिश की। बिल्कुल, चलिए कोई बात देना चाहता हूं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलिए तो ये लीजिए संजू जी, 2000 तो नहीं मिला ना मिक्सर जूसर ग्राइंडर मिला, पर 500 रुपए मिल गए हैं, तो कैसा लग रहा है बताओगे कुछ? भैया अच्छा नहीं लग रहा है, ये हाथ से जा रहा है और 500 रुपए आए। बिल्कुल भाई, क्योंकि आज आके जब अगली बार इससे बड़ा इनाम लेके जाऊंगी। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल अपना चैलेंज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक मजेदार चैलेंज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।